कहा जाता है कि स्टेज वाले अब रह गए हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, कंगले होते हैं। कंगले लोग तो कहते हैं स्टेज वालों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब पहले जो पहले थे उनके पास था, जो कह रहे हैं अब आ रहे हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से ही बहुत कुछ लेके आए हैं। है, बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं, कभी ऑफर आई ऐसी? ऑफर्स तो बहुत आती हैं, लेकिन नहीं कुछ, मैं ये नहीं है कि मैं इंटरव्यू हो रहा है तो मैं बिल्कुल बड़ी सादी बन रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे हर चीज़ की समझ है, लेकिन अपने पे टाइम नहीं आया ऐसा। टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 1.5 मिलियन हैं फॉलोअर। मैंने सुना है जिनके 1 मिलियन होते हैं वो तो 20-20-30-30 लाख रुपया रोजाना का कमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो यूज़ कर रहे हैं ऐप को तो ठीक है भाई, उनको समझ आ रही है वो कर रहे हैं, मुझे इतनी समझ नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर रही। शादी हुई? नहीं शादी तो नहीं हुई। नहीं हुई। कहा जाता है कि जो ये आर्टिस्ट होती हैं इनको मोहब्बत ही नहीं होती। होती है ना, क्यों नहीं होती, हमें ज़्यादा होती है, बार बार होती है। मोहब्बत मिल गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। हम ने कह दिया म्यूज़िक लगा दिया, सिलक शुरू हो जाओ। नहीं अभी तक हमारी ना मुलाकात नहीं है। मेरे साथ सिलक मौजूद हैं जो कि टिकटॉकर भी हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी है, डांस भी करती हैं। सुना है कि जो एक्टर होते हैं बड़ा कमा लेते हैं, कितना का कमा लेती हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। टिकटॉक तो एक शौक है मेरा और अच्छी खासी मेरी फैन फॉलोइंग है, तो कमाने का तो उसमें से नहीं सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर से बहुत अच्छा कमाते हैं तो उस पर बैठ के मैं टाइम वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 1.5 मिलियन हैं फॉलोअर। मैंने सुना है जिनके 1 मिलियन होते हैं वो तो 20-20-30-30 लाख रुपया रोजाना का कमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो यूज़ कर रहे हैं ऐप को तो ठीक है भाई, उनको समझ आ रही है वो कर रहे हैं, मुझे इतनी समझ नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर रही, मुझे जस्ट वीडियो बनाने का शौक है तो मैं अपना आर्ट दिखाती रहती हूँ बस। तो स्टेज में इतना पैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं है, काम कोई भी हो आपका, काम वर्क जो है आपकी जॉब कोई भी है उसमें पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देता ही है। कहा जाता है कि स्टेज वाले अब रह गए हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, कंगले होते हैं। कंगले लोग तो कहते हैं स्टेज वालों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब पहले जो पहले थे उनके पास था, जो कह रहे हैं अब आ रहे हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से ही बहुत कुछ लेके आए हैं। बहुत कुछ लेके आए जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे आपको रिहर्सल करना पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, कि बड़े जतन करना पड़ते हैं, लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है? डांस में तो मैं रिहर्सल नहीं करती, मैं मौजूद ही गाना करती हूँ, आते ही मैं गाना करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है अभी मुझे रिहर्सल की। तो उसके अलावा थिएटर के 3 घंटे होते हैं और कुछ हमारा ट्रैवल में टाइम गुजर जाता है, बस यही है। सीखा कहाँ से? डांस नहीं सीखा, गॉड गिफ्ट है मुझे, खुद ही आ गया, खुद ही आता है। किसी को टीचर नहीं माना ना, किसी से इम्प्रेस नहीं ना, ना किसी को बिल्कुल नहीं। बड़ी रोक टोक होती है ना इस तरह के फील्ड में, घर वाले बातें करते हैं, खानदान वाले बातें करते हैं। कहानी सिलक किन कामों में पड़ गई हो? ऐसा तो बिल्कुल है, फैमिली से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में, रिलेटिव अभी तक प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन मैंने माना नहीं किसी को, सब मेरे मोस्ट सीनियर हैं, सबसे प्यार है। ये नहीं है कि मैंने डांस में मैं खुद ही करती हूँ, मैंने ना कभी किसी को कॉपी किया है और मैं अपना ही डांस करती हूँ। शादी हुई? नहीं शादी तो नहीं हुई। नहीं हुई। कहा जाता है कि जो ये आर्टिस्ट होती हैं इनको मोहब्बत ही नहीं होती। होती है ना, क्यों नहीं होती, हमें ज़्यादा होती है, बार बार होती है। मोहब्बत मिल गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। मिल गई है? मिल गई, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ हुआ है। शादी तो हो गई? तो शादी नहीं अभी हुई, निकाह हो गया तो शादी हो गई ना। हाँ जी, तो उससे मोहब्बत की, उससे की, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मना नहीं करते कि नहीं, कभी रोकते होंगे? हाँ कभी कभी रोकते हैं, लेकिन रात को 2-2 बज जाते हैं, सिलक कितने गए? एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना वो आउट ऑफ कंट्री हैं। अच्छा, तो समझ लें इंग्लिश माहौल है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, उनको पता है कि मेरी बंदी कैसी है। खावन का दिल किया, रात को थकी हुई, खाना वगैरह बनाया, खावन ने कह दिया म्यूज़िक लगा दिया, सिलक शुरू हो जाओ। नहीं अभी तक हमारी ना मुलाकात नहीं है, हमारे निकाह पे ही हमारी मुलाकात थी, उसके बाद तो हम अलग अलग ही हैं। बाकी खाना वाना मुझे नहीं बनाना आता, टिकटॉक पे एक मेरी रोटी बनाते हुए टिकटॉक वायरल हुई थी, मैं ट्रिप कर रही थी। तो डांस का तो मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, डांस तो मैं करती रहती हूँ। पीछे कहाँ से ताल्लुक है? मैं गुजरांवाला की हूँ। गुजरांवाला से लाहौर रहती हैं? नहीं लाहौर में नहीं रहती अभी तक, मैं गुजरांवाला में। गुजरांवाला जाएंगे? जी हाँ जी गुजरांवाला। इतनी रात को, रात का 1 बज गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना मुश्किल नहीं होता? होता है, बहुत होता है, नींद की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्लाह खैर करे, काम है तो काम तो करना चाहिए ना। काम जरूरी है। कोई खास मैसेज?
खास मैसेज कुछ भी नहीं है, सबसे प्यार है, सब बैड कमेंट्स ना किया करें और बैड ना सोचा करें। हमने क्या किसी से लेना है या क्या किसी से देना है। हमारी फील्ड में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि अपना ब्रेन वॉश है सर बैठा हुआ ना, कि जो आर्टिस्ट होती हैं वो ठीक नहीं होती, ख़राब होती हैं। आपको भी पता है कि सुनने में कई कुछ लोग कहते हैं, मोहल्लेदार बातें करते हैं, दो ताकि जिनके साथ काम करते हैं वो भी आपस में बातें करते हैं। नहीं, आर्टिस्ट बिल्कुल ठीक होती हैं सब। देखिए, अपना अपना माइंड है, अपना अपना उनका काम है, सभी ठीक है, कोई भी बुरा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी फील्ड में कुछ ऐसा बुरा नहीं है, क्योंकि ना हमने किया है ना हमने देखा है किसी को। जाता है बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं, कभी ऑफर आई ऐसी? ऑफर्स तो बहुत आती हैं, लेकिन नहीं कुछ, मैं ये नहीं है कि मैं इंटरव्यू हो रहा है तो मैं बिल्कुल बड़ी सादी बन रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे हर चीज़ की समझ है, लेकिन अपने पे टाइम नहीं आया ऐसा कि मैं किसी की मौका नहीं दिया ऑफर एक्सेप्ट करूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सिल्क जी, बड़ी मेहरबानी।